देखो ये ट्रेन की आवाज आ रही है। अगर फिक्र अच्छी हो जाए तो हर चीज में अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आते हैं। अब आप सुनेंगे तो ठक ठक लगेगा, ये ठक ठक कैसी आवाज है, लेकिन अगर अल्लाह की तरफ लव लगा तो लगेगा कि अल्लाह अल्लाह कह रही है। सुभान अल्लाह, है ना? क्या कह रही है? अल्लाह, है ना? बोले ना। तो ये जहन बदलने की जरूरत है। अगर हदीस पाक पर इरशाद फरमाया गया कि कलियां जो चटकती हैं वो भी अल्लाह का जिक्र करती है। हम दरवाजे को चटकनी लगाते हैं ना कड़ी, उस वक्त जो आवाज आती है वो भी अल्लाह का जिक्र है। जानवर जानदार परिंदे सब अल्लाह का जिक्र करते हैं। सुबह होती है तो चूचू चूचू की जो आवाजें आती हैं चिड़ियों की, वो भी अल्लाह का जिक्र करती है। चिड़िया भी अल्लाह का जिक्र करती है। मेंढक जो टहराता है वो भी अल्लाह का जिक्र करता है। प्यार से बोलो, मोहब्बत से बोलो। तो अब जब यहाँ से ट्रेन गुजरेगी इंशाल्लाह आपको ठक ठक नहीं आवाज सुनाई देगी, क्या सुनाई देगी? अल्लाह अल्लाह। तो आपका जहन बदल गया। ये है सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल की बरकत। इस तरह जहन बदलने की जरूरत है, नजरियात बदलने की जरूरत है, फिक्र को बदलने की जरूरत है। जब फिक्र इस्लामी हो जाती है तो हर चीज में अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आने लग जाते हैं।